आपके माध्यम से षड्यंत्र रचा गया आपके खिलाफ? बिल्कुल रचा गया, षड्यंत्र रचा जा रहा है तो मैं सबसे पहले मैंने कहा कि और बिसाइज यही लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हारने वाले हैं। अब हमने तो नाम लिया, हमने पार्टी का नाम तो लिया, हमने कहा भाजपा की बी टीम है बसपा। बसपा के विधायक थे पहले? हे भाई, इसमें कौन सी चोरी है, मैं तो था। नीरज जी, आप भी जलालाबाद से हैं और जो प्रत्याशी हैं तनवीर, वो भी जलालाबाद से हैं, गाड़ी भी जलालाबाद की है, ड्राइवर भी जलालाबाद से आते हैं, वकील भी जलालाबाद, तो इन सबको देखकर क्या लगता है कि आपके जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं कि कितने गलत माने जाए? क्या सारे जलालाबाद के लोग हमसे पूछ के काम करते हैं क्या? सलाह लेके काम करेंगे? टच में अभी तो नहीं है फिलहाल, पहले थे। उन्होंने कहा है मेरे पास साक्ष्य है वीडियो में, ये ड्राइवर ने कहा है मेरे जो आपसे करीबी संबंध है इस वजह से। नहीं, ड्राइवर तो हमारे यहाँ इस समय गाड़ियाँ चल रही हैं, उसी में एक गाड़ी वो ड्राइवर चलाता है। इस समय तो हमारे यहाँ कई गाड़ियाँ चल रही, उसमें एक ड्राइवर वो भी है, वो गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर आपका है? गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं मेरी, ड्राइवर आपका। मेरा ड्राइवर हमारे यहाँ काम कर रहा, हमारा ड्राइवर नहीं है, मेरी गाड़ी नहीं चलता वो। लेकिन अगर हमारे चुनाव में कोई गाड़ी चला रहा तो यही कहेगा भाई नीरज मौर्य के मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस समय, यही तो कहेगा वो। नीरज जी, इस समय चुनाव कैसा चल रहा है आपका? बात कर लेते हैं कि क्या चुनाव अच्छा चल रहा है, जनता का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और मेरी बहुत सारी सभाएं लगी थी, मैं सभा छोड़ के ही अभी आपके बीच में आया हूँ। सोचा कि हमारे मीडिया के बंधु के माध्यम से मेरी भी बात चली जाए जनता के बीच में, इसलिए मैंने सोचा कि ब्रेक करके, क्योंकि अभी इतना व्यस्तता है। लेकिन हमने कहा आप लोगों से मिल लिया जाए, आपसे बात कर ली जाए, इसलिए कह रहे अब धर्मेंद्र कश्यप जी क्या कह रहे हैं इस पे मैं कुछ कहते हुए, मैं इतना जान रहा हूँ कि जनता आंवला में इस बार बदलाव करने जा रही है और आंवला में बदलाव होगा। अभी मैं तुरंत विकास की आपने बात की, मैं 11 ब्लॉक के रोंधी गांव से आ रहा हूँ, रोंधी में मीटिंग करके आ रहा हूँ। रोंधी गांव को सांसद जी ने गोद लिया था, उस गांव का कितना विकास हुआ, कितना वहाँ पे काम हुआ, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। अब आप बताइए विकास गंगा रोंधी गांव को देखा, ये पता लग जाए कैसा विकास हुआ है। मैं वहीं से चला आ रहा हूँ आप समझ। शुक्रिया भाई, धन्यवाद। क्या होगा, मेरा तो केवल इतना कहना है कि आवेद अली तो केवल मोहरा है, खेल कहीं दूसरी जगह पे चल रहा है। आंवला से समाजवादी पार्टी जीत रही है बहुत बड़े अंतर से, इसलिए सत्ता दल के लोग बौखला गए हैं और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को फंसाने का और दुष्प्रचार करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और ये बसपा वाला उनका मोहरा है, ये कुछ नहीं, ना ये जीतने में है ना हारने में है, ये तो किसी को जिताने के लिए खड़ा हुआ है, किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है इससे? अभी 4 दिन पहले हमारी पार्टी से चेयरमैन बन गया, अब कभी मेंबर भी नहीं बन पाएगा आंवला का, उसका सभासद भी नहीं बन पाएगा, बन ले तो हम बता देंगे। तो ये खाम खामे इनके बीजेपी वालों का मोहरा बना हुआ है, मुझे तो उस पर तरस आता है बेचारे को, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये उनका अंदरूनी मामला है, कौन सा सही था कौन सा गलत था, ये तो जांच का विषय है ना। FIR दर्ज करने से पहले इन्होंने एक्सपर्ट से जांच कराई कि सिंबल कौन सा फर्जी है कौन सा असली है। सिंबल कोई फर्जी असली नहीं, ये सही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में कहता है उसका मान्य होता है, पहले वाले का खारिज हो जाता है, मगर FIR तो कहीं नहीं होती है। FIR तब होती जब उस सिंबल की एक्सपर्ट से जाँच होती और वो कहता कि इसमें दस्तखत फर्जी है, तब FIR होती। पहले कैसे FIR करवा दी? हम आज मिले आरओ से, हमने कहा उससे कि आप जो SSP से मिले, हमने कहा कि आपके पास एजेंसी होती है एक्सपर्ट, आप आदेश करिए कि वो दस्तखत जो है मायावती के कौन से फर्जी हैं कौन से असली हैं इसकी जांच करवा लीजिए एक्सपर्ट से। जांच में अगर
वो फर्जी पाया जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा करिए। नीरज भाई से उससे क्या मतलब है? ये समाजवादी पार्टी के वो बसपा का, बसपा तो सिंबल बेचती है, बेच दिया होगा उनने दूसरा भी, तो इसमें इनका इन्हें घसीटा जा रहा है केवल इनको डिस्टर्ब करने के लिए। और हम लोग कहीं डरने उड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी हम संघर्ष करेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। नीरज मौर्या हम दावे के साथ कहते हैं। उनका आरोप है ना कि सिंबल बेचती है? हाँ बेचती है, आरोप क्या है तुम्हें नहीं मालूम? बताओ हमें, बताओ उत्तर प्रदेश के बच्चे से भी पूछोगे तो वो बता देगा। आप तो ऐसे आप तो ऐसे चौंक गए जैसे कि कोई हमने नई बात कह दी। अब वो अलग अलग है, जहाँ जितना भारी प्रत्याशी दूसरे दल का होता है उतना भारी पैसा होता है। उन्होंने आरोप लगाया नीरज मौर्य जी ने मेरा चुनाव खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा, जिसकी वजह से ये परेशानियां। किन्ने? अभिनंदन। अभिनंदन के आरोप लगाए, उनकी भाषा थी। उनका चुनाव खराब, क्या चुनाव है उनका, क्या चुनाव है उनका? वो उनकी भाषा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये 2 महीना पहले उन्होंने स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, आप पत्रकार हो तो आपको पता होगा, सब अखबारों में छपा। उन्होंने कहा कि मैं धर्मेंद्र की जीत की कामना करता हूँ। आबिद अली ने कहा था नहीं कहा था बताओ मुझे? तो जीत की कामना कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं हम पे, बताओ? पूरे खेल के पीछे भाजपा है, ये हमारा कहना नहीं है, ये बिल्कुल सच है। सर, एक एक्सप्रेशन ये भी है कि